ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स में फंक्शनल एनालिसिस पढ़ रहे थे। हमने लेक्चर नंबर 4th में, जो इससे पहले की लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने थ्योरम 1.4 उसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो था होल्डर इनइक्वालिटी का, वो प्रूफ किया था। आज उसी के आगे हम थ्योरम 1.4 में जो सेकंड इनइक्वालिटी है, होल्डर इनइक्वालिटी जो फर्स्ट वीडियो में हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था, इसके आगे है मिनकोंस्की इनइक्वालिटी। आज हम पढ़ेंगे मिनकोंस्की इनइक्वालिटी है क्या और क्या प्रूफ करना है इसमें। तो देख लेते हैं, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। गिवन है लेट x इक्वल टू एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन एंड y इक्वल टू वाई वन वाई टू डॉट 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 वाई एन बी द n tuples be the n tuples of scalars। और स्केलर आपको पता है कि फील्ड के एलिमेंट होते हैं। फील्ड के एलिमेंट कैसे लेंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स, या तो रियल नंबर होगा या फिर कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। रियल और कॉम्प्लेक्स देन डिफाइन नॉर्म ऑफ xp इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई की पावर पी और इसकी होल पावर वन अपॉन पी फॉर पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। देन हमें क्या प्रूफ करना है कि समेशन आई इक्वल टू वन टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर पी और इसकी होल पावर वन अपॉन पी इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई की पावर पी और इसकी होल पावर वन अपॉन पी प्लस समेशन जे इक्वल टू वन टू लेके एन मोड ऑफ वाई आई और इसकी पावर पी और इसकी होल पावर वन अपॉन पी। दैट इज, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई p is less than equals to norm of xp plus norm of yp और p की वैल्यू क्या है, 1 less than p less than infinity। ये हमें दे रखा है कि मिनकोंस्की इनइक्वालिटी में कि लेट x equals to x1 x2 dot 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 xn and y equals to y1 y2 dot 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 yn। क्या दे रखे हैं, ये n tuples दे रखे हैं किसके, स्केलर्स के। और स्केलर कैसे हैं, या तो रियल है या फिर कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है। देन डिफाइन नॉर्म ऑफ xp, इस तरीके से डिफाइन है नॉर्म ऑफ xp की वैल्यू की समेशन आई इक्वल टू वन टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई की पावर p और इसकी पावर वन अपॉन p फॉर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि समेशन आई इक्वल टू वन टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p और इसकी पावर वन अपॉन पी लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई की पावर पी और इसकी होल पावर वन अपॉन पी प्लस जे की जे इक्वल टू वन टू लेके एन और वाई आई की पावर पी और इसकी पावर वन अपॉन पी। दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी के बराबर आती है। और पी किस तरीके से वैल्यू डिफाइन है, इसकी वन लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इन्फिनिटी। तो इसको प्रूव करने के लिए नॉर्म ऑफ xp इस तरीके से डिफाइंड है कि नॉर्म ऑफ xp इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू वन टू लेके n मोड ऑफ xi की पावर p और इसकी पावर वन अपॉन पी। ये किसके लिए डिफाइंड है, x के लिए डिफाइंड है। तो यहां से वैल्यू देखो नॉर्म ऑफ xp और इसकी पावर अगर p ले लें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, समेशन i इक्वल टू वन टू लेके n मोड ऑफ xi की पावर। ये वैल्यू बन गई हमारे पास में। ये वैल्यू किसके लिए डिफाइंड है, एक्स के लिए। नाउ फॉर एक्स प्लस वाई के लिए, ये वैल्यू एक्स के लिए, तो एक्स प्लस वाई के लिए ये वैल्यू किस तरीके से डिफाइंड होगी, तो नॉर्म ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई पी और इसकी पावर कितनी, पी इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर, इस तरीके से डिफाइंड होगी। अब क्या करेंगे, नाउ फॉर पी इक्वल टू वन, पी इक्वल टू वन के लिए ये इक्वेशन किस टाइप से आएगी, देखो
norm of x plus y, p की वैल्यू कितनी 1 और इसकी पावर भी कितनी 1 is equals to summation i equals to 1 to लेके हैं, ये वैल्यू क्या बन जाएगी mod of एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1। इस तरीके से डिफाइंड हो गया। अब आपको पता है कि नॉर्म की जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, इसी तरीके से मोड में लिखेंगे तो मोड ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई के बराबर आएगी, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ वाई, ये वैल्यू आ गई। अब समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन और मोड ऑफ एक्स आई, ये वैल्यू किस तरीके से डिफाइंड है, नॉर्म ऑफ एक्स पी की पावर पी से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पावर नहीं है, पी नहीं है, तो ये वैल्यू किस तरीके से डिफाइंड हो जाएगी, इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस वाई के लिए लिखेंगे तो ये वैल्यू किस टाइप से आ जाएगी, नॉर्म ऑफ वाई पी इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, पी की वैल्यू कितनी 1 है, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, तो ये वैल्यू बन गई, ये लेस देन इक्वल टू में आ जाएगा, तो लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो दस द इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर पी इक्वल टू 1, तो पी इक्वल टू 1 के लिए इनइक्वालिटी होल्ड करती है। नाउ फॉर लेट पी ग्रेटर देन 1 के लिए, अब पी ग्रेटर देन 1 के लिए Now let p greater than 1, तो p greater than 1 के लिए जैसे norm of xp की वैल्यू हमने ली थी, norm of xp is equals to summation i equals to 1 to लेके n mod of xi की पावर p और इसकी होल पावर कितनी है 1 upon p, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई थी कि norm of xp और इसकी पावर कितनी ली थी p, तो वैल्यू क्या बनी थी summation i equals to 1 to लेके n xi की पावर p। इस इनइक्वालिटी को हमने x प्लस वाई टर्म के लिए लिखा था, नाउ फॉर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के लिए लिखा था तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई p की पावर p इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर कितनी आ गई, ये किस टर्म में आ गई, ये तो x टर्म में थी, ये हमारे पास किस टर्म में आ गई, x प्लस वाई की टर्म में ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको लेकर के चलेंगे तो ये वैल्यू देखो, नाउ ये वैल्यू को किस टाइप से लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी और इसकी पावर पी इज इक्वल टू, इसमें से एक पावर बाहर निकाल लें तो समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी एक पावर बाहर निकालें, यहाँ कितनी रह जाएगी पी माइनस 1, तो एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर कितनी आ जाएगी p माइनस 1, तो एक पावर बाहर निकाली रहेगी कितनी p माइनस 1, तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई p की पावर p इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n एक्स आई प्लस वाई आई और एक वैल्यू बाहर निकाली हमने, एक अंदर, वैसे जो लेफ्ट रहेगी वो कितनी रहेगी p माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं इसको अलग अलग लिखेंगे तो किसका साइन आ जाएगा, इनइक्वालिटी का, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, लेस देन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ एक्स आई प्लस मोड ऑफ वाई आई और एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर पी माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। अब इसका सेपरेट सेपरेट मल्टीपल कर दो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन क्या बन जाएगी, मोड ऑफ एक्स आई और इसका मल्टीपल किसके साथ, एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर p माइनस 1 प्लस समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ वाई आई और मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर कितनी आ गई p माइनस 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो नॉर्म ऑफ xp डिफाइंड था वो इस तरीके से था, फिर
फिर हमने इसकी कितनी पावर ले ली, पी पावर ले ली। तो नॉर्म ऑफ एक्स पी और पी पावर इसकी समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई की पावर पी। नाउ फॉर एक्स प्लस वाई के टर्म में ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई के टर्म में ये वाली वैल्यू आ गई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी विथ पी और इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई और इसकी पावर कितनी आ गई पी। अब एक पावर को बाहर निकाली, लेफ्ट कितनी रहेगी पी माइनस 1, ये लिख लिया। इसको सेपरेट लिखेंगे तो इनइक्वालिटी का साउंड साइन आ जाएगा हमारे पास। तो समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई प्लस मोड ऑफ वाई आई और एक्स आई प्लस वाई आई की पावर पी माइनस 1 लेस देन इक्वल टू। अब इसका मल्टीपल इसके साथ कर दिया हमने, इसका मल्टीपल हमने इसके साथ कर दिया। नाउ बाय यूजिंग होल्डर्स इनइक्वालिटी, अब होल्डर इनइक्वालिटी का यूज करेंगे इस स्टेप में। तो ये ओपन होगी पी के टर्म में, सेकंड टर्म जो होती है वो क्यू के टर्म में होती है, ऐसे यहाँ पर ये पी के टर्म में और ये क्यू के टर्म में, और किस में ओपन होता है नॉर्म में। तो वैल्यू क्या बन जाएगी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ इस साइड हमारी क्या वैल्यू चल रही थी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी पी लेस देन इक्वल्स टू। अब इसको खोलेंगे होल्डर इनइक्वालिटी से, तो ये टर्म किस में खुल जाएगी नॉर्म ऑफ पी के टर्म में और ये क्यू के टर्म में, तो नॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर कितनी है पी माइनस 1 किसकी टर्म में खुल गई क्यू के टर्म में, प्लस ये फर्स्ट टर्म पी में, तो नॉर्म ऑफ वाई क्यू पी नॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर कितनी है पी माइनस 1 और किसकी टर्म में खुल गई क्यू के टर्म में, ये वैल्यू आ गई। अब नॉर्म ऑफ एक्स पे डिफाइन किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर इसको खोल सकते हैं हम इस तरीके से, तो लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स पी बन गया ये वैल्यू। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम इसको, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन और मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई, किसके लिए ओपन करना है क्यू के लिए, तो पी की जगह क्यू और पावर कितनी थी पी माइनस 1 और इसकी होल पावर 1 अपॉन क्यू आ गई, प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी और ये वैल्यू किस तरीके से ओपन हो गई, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई और किसके लिए ओपन करना है क्यू के लिए, तो क्यू पी माइनस 1 और इसकी होल पावर 1 अपॉन क्यू, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर कितनी आ जाएगी क्यू पी माइनस 1 और इसकी पावर 1 अपॉन क्यू, ये वैल्यू आ गई। अब हमको एक कंडीशन क्या दे रखी है, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 1 गिवन है, तो यहाँ से 1 अपॉन क्यू की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1 अपॉन पी और 1 अपॉन क्यू की वैल्यू पी माइनस 1 अपॉन पी, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू पी माइनस 1, तो इसकी जगह हम पी पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी नॉर्म ऑफ एक्स पी नॉर्म ऑफ वाई पी, ये स्टेप क्या बन गई समेशन आई इक्वल टू 1 टू लेके मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई और इसकी पावर क्या हो सकती है पी हो जाएगी, अब इसकी जगह हमने पी पुट कर दिया और इसकी होल पावर कितनी 1 अपॉन क्यू। अब एक पी का मल्टीपल ऊपर कर दें पावर में और एक नीचे, ऊपर नीचे पी का मल्टीपल कर दिया, तो इस स्टेप को किस तरीके से राइट डाउन करेंगे, देखो नॉर्म ऑफ एक्स पी हो गया प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी हो गया, ये वैल्यू क्या बन जाएगी समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई का मोड, इसकी पावर कितनी थी पी, इसकी पावर 1 अपॉन पी, मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं पी अपॉन, इस तरीके से ये वैल्यू पुट कर दी। अब समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई, इसको नॉर्म के टर्म में लिख सकते हैं हम यहाँ से, ये हमारे पास डिफाइंड था कि नॉर्म ऑफ एक्स पी की वैल्यू समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई की पावर पी और इसकी होल पावर 1 अपॉन पी, तो इसको भी नॉर्म के टर्म में लिख सकते हैं हम, तो नॉर्म के टर्म में लिखेंगे तो वैल्यू यहाँ पर चल रही थी एक्स प्लस वाई पी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स पी नॉर्म ऑफ वाई पी,
इसको बोलेंगे, तो ये वैल्यू नॉर्म के टर्म में किस तरीके से आएगी, तो एक्स आई प्लस एक्स आई नहीं आएगा, एक्स प्लस वाई के टर्म में ही ओपन हो जाएगी डायरेक्टली, तो एक्स प्लस क्या बन गया वाई, और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी देखो पी अपॉन क्यू, क्योंकि ये वैल्यू किसके लिए ओपन होती थी पी के लिए, तब पावर कितनी आती थी पी, और इसकी पावर क्या होती थी वन अपॉन पी, तो पी और पी की पावर वन अपॉन पी, और इसकी पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पर पी अपॉन क्यू, तो ये टर्म क्या बन गई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई और पी अपॉन क्यू, ये वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो सेम है, इस साइड लेके आए तो वैल्यू क्या बन जाएगी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी पी, और पावर कितनी माइनस हो जाएगी पी अपॉन क्यू, इसके अपॉन में आएगा और अपॉन में जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट में होगी, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स पी और नॉर्म ऑफ वाई पी, ये वैल्यू आ गई। अब पी माइनस पी अपॉन क्यू, पी माइनस पी अपॉन क्यू ये वैल्यू लिखनी है हमें, तो कैसे लिखेंगे देखो वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी वन, यहां से हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या लिख सकते हैं वन अपॉन क्यू की वैल्यू वन माइनस वन अपॉन पी, तो वन अपॉन क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास पी माइनस वन अपॉन पी, साथ में हमें चाहिए क्या p माइनस पी अपॉन क्यू, तो p माइनस पी अपॉन क्यू कैसे बनेगा, तो p अपॉन क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा p माइनस वन, और p माइनस पी अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी आ गई वन, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, इसकी वैल्यू कितनी होगी वन, तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ, यही हमें प्रूव करना था। तो ये थे हमारी मिनकॉन्स की इनइक्वालिटी। अब आप लोग एक साथ में थ्योरम 1.4 के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है होल्डर इनइक्वालिटी और मिनकॉन्स की इनइक्वालिटी वो दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ उनके एग्जांपल्स हैं और उनके कुछ डेफिनेशंस हैं बना के स्पेस कंप्लीट स्पेस और उसके बारे में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप इतना कंप्लीट कर लेना मिनकॉन्स की इनइक्वालिटी को और होल्डर इनइक्वालिटी को। Thank you so much.